अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैज़ी के साथ। और जब जैज़ी सुबह को आता है तो आप सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कैफुल हालू का जनाब बताइए, क्या हालचाल है? और जनाब बाकी सब छोड़ें, दो दिन में जश्न आज़ादी आने वाला है यार, ये जो आज़ादी की वेव है इसके क्या कहने हैं। जब मैं रास्ते में आ रहा था, हर जगह पर ग्रीनरी ग्रीनरी है, ग्रीन फ्लैग्स हैं, वो वाइट और ग्रीन कॉम्बो चल रहा है और जबरदस्त एक माहौल है। और ये जश्न जो है ना, ये सिर्फ वही कौमें मनाती हैं जो जिंदा दिल होती हैं, और हम लोग ऐसे हैं। किस तरह से हमने देखिए फतह हासिल कर ली कोरोना के ऊपर, काफी हद तक हम जब बाहर आए निकले हैं उस पूरे हॉल से, सब कुछ खुल गया है। आई एम सो हैप्पी टू सी रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, पार्क्स ओपन हैं, सिनेमा हॉल्स ओपन हैं। वो अलग बात है कि मैं देखना क्या है उनमें, लेकिन फिर भी वो ओपन तो हो गए हैं, ठीक है ना जनाब। तो बहुत मजे की बातें होंगी आज भी। आज भी वी हैव 4 stars विद अस। मजे का हमने बनाया है कॉम्बो, और हर एक का अपना अपना योनरा है। अब वो योनरा क्या क्या है वो सब जानेंगे अपने इस लाइव शो में। शो होगा पूरे 2 घंटे का, इसमें सब कुछ होगा जो आप देखना चाहते हैं सुबह के एक जबरदस्त किस्म के मॉर्निंग शो में। तो आइए जनाब विदाउट एनी डिले आज का शो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और लेके चलते हैं आपको लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाते हुए उस आवाज की जानिब जिनका नाम ही में एक खुशबू आती है। मतलब उनकी जब आमद होती है तो पूरा माहौल महक सा जाता है, उनका नाम ही इतना महकाने वाला है। और 2-3 सालों में माशाल्लाह अपने करियर को उन्होंने काफी हद तक स्टेबल कर लिया है, बूस्ट कर लिया है। वाई? बिकॉज वो दिल से गाती हैं और बहुत सॉलिड गाती हैं, और जब वो प्यारी भी हों और सॉलिड भी गाती हों तो नाम तो एक ही जहन में आता है, वो कौन है? गुलाब। यानी कि मैं कहता हूँ इनको हमेशा गुलाबो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, व्हाइट में आप आई हैं आज मॉर्निंग की सुबह लेकर। मेरे ख्याल में व्हाइट कलर, क्योंकि 2 दिन में ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और मैंने सोचा मैं व्हाइट कलर पहन के आऊं। बहुत अच्छी लग रही है, कैसी हैं आप? और आफ्टर सीइंग यू आफ्टर 2 इयर्स, गुड एक्सपीरियंस नाउ? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काम कर रहे हैं और आज आ आपके शो में है, काम नजर आ रहा है। वेल डन गुलाब, वेल डन, क्या बात है। इनकी उनके साथ बैठे हैं कॉमेडी के चैंपियन हैं। कॉमेडी में अगर बात करूं, इस यंग लड़के ने अपने आप को 2-3 साल, ये भी 2-3 साल की कहानी लग रही है क्योंकि 3-2.5 साल कह सकते हैं। तो जनाब इन्होंने मेरे शो से अपना आगाज किया, आई एम प्राउड टू प्रेजेंट हिम टुडे। बहुत जबरदस्त यंग टैलेंट थे उस वक्त, और अब तो खैर कमाल जबरदस्त हो गए हैं। लीडिंग चैनल्स पे शानदार पैरोडीज, कॉमेडीज, अपना इंटेक योनरा है। और सुना है, मेरा जासूस बताता है नाजरीन, कि अपना यूट्यूब चैनल भी प्लान कर चुके हैं। बनता है बॉस, बनता है। तो मिलवाते हैं आपको फलक शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग फलक। गुड मॉर्निंग आपको भी, सबको, जितने भी यहाँ देख रहे हैं व्यूअर्स। और अब तो आप बहुत बिजी हो गए हैं। नहीं सर, बिजी तो लाइव तो चलती है साथ साथ, लेकिन देखें मैं सबको कहता हूँ, मैंने हमेशा आपसे सीखा। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो आपके साथ। क्या बात है, याद है वो शाम? आपको बड़ा मजा आया था। बिल्कुल, लेकिन मैं तब भी हैरान था फलक कि आप तब भी शानदार एकदम से आया लड़का और ऐसी पैरोडीज कर दी, क्या वो शॉक्ड? नहीं, वो आपसे मतलब ये था ना, एक स्टार्ट लिया था, आगाज था और फर्स्ट टाइम था, तो आपको अच्छा लगा, ये बड़ी बात। लेकिन मैं खुश इस बात में, ये लड़का अब काम कर रहा है और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी लाहौर, तो ही इज बिजी बिजी बिजी। वेलकम करेंगे आपको मॉर्निंग शो में अपने, और चलेंगे हमारे एक और दोस्त की जानिब। बड़े कमाल शख्सियत के मालिक हैं और इनके भी मल्टीपल फैसेट्स हैं। इनके बोलते बहुत अच्छे हैं गुलाब और फलक, ये बोलते बहुत अच्छा हैं, बड़े धीमे मिजाज के जबरदस्त टोन में बोलते हैं। अपना शो अब होस्ट करने वाले हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लेकिन जो इनका मेरे लिए तारुफ बहुत अच्छा है वो है कि ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ा अपनी एक नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स पे और उनकी बारीकियों पे। तो आई एम लविंग इट, प्लस एंकर तो हैं ही हैं। तो मिलवाते हैं आपको इरफान जहीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? सुबह सुबह उठ के आना, सुबह सुबह उठ के आना बड़ा आपको लिए, आपके लिए माफ करिए, माफ करता हूं, नहीं खराब किया हमने। ऑल वेरी प्लेयर जी, आप बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त हो गया। और मेरा इस शो का एक स्टाइल है, मैं चाहता हूं कि आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो फिटनेस है, वो हर रोज मुतमईन और फिट रहे। दैट्स व्हाई आई वांट कि हमारे शो में एक कॉम्बो में लाजमी कोई ट्रेनर या कोई डाइटिशियन होनी चाहिए। तो आज हमने दावत दी है एक जबरदस्त मॉडल को, क्योंकि तो मॉडल पहले हैं, उसके बाद वो बन गए हैं अब फिटनेस कोच, ट्रेनर, और बहुत जबरदस्त कोचिंग करते हैं। आज हमारा प्लान है सबका कि हमसे कुछ डाइटरी टिप्स लेंगे, फिटनेस टिप्स लेंगे कि हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। सुझाव मिलवाएंगे आपको आगा हमजा
खान से। गुड मॉर्निंग आगा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? आपको कैसे आगा कहूँ कि हमजा कहूँ? हाँ पूरा कहना है, हमजा कह सकता हूँ, हमजा भी कह सकता हूँ। हमजा कहता हूँ। ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे लग रहा है आपको आज सुबह सुबह आके हमारे शो में? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दूसरों को सिखाने के लिए मिलेगा। हाँ ये चीज तो बस सिखाना है आपने। तो नाज़रीन अब स्टार्ट करते हैं सिलसिला बातों का। जी गुलाब, मेरी कहानी मेरी जुबानी से हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ अपने शो का। नाज़रीन जानते हैं ये बात, थोड़ा क्रम बताएं अपनी कहानी के बारे में, कैसे स्टार्ट लिया गुलाब ने और वो गुलाब कैसे महकना शुरू हुआ हमारे दिलों में। पहले तो ये था कि मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, यानी आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। और मैं यानी मुझे बचपन से शौक था गाना गाने का। ये तो होता है हर सुपरस्टार से, और हर बंदे को शौक होता है। मुझे भी सेम ऐसे ही था, ठीक है। और चांस नहीं मिल रहा था, ठीक है, कि कैसे यानी क्या करूं और कैसे यानी स्टार बन सकती हूँ मैं। तो मतलब मैं एक पार्लर पे गई, भाभी ब्यूटी पार्लर पे। नाम भी याद है आपको? या मैडम नरगिस की वालदा जो है, वाह, बिलो आंटी, उनसे मुलाकात हुई। तो बिलो आंटी ने आपसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे सॉन्ग सुनाओ, ठीक है। और उन्होंने सुना और उन्हें ऐसा लगा कि यानी मुझ में वो बात है कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। तो वो फिर मुझे लेके गई भट्टी स्टूडियो में, जो कि इलाम इकबाल टाउन में। और सब कुछ याद है आपको? I'm loving this thing. मुझे सब कुछ याद है। याददाश्त काफी अच्छी है। और मुझे भट्टी स्टूडियो में लेके गई और वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो जाहिर सी बात है खुर्रम भट्टी जी, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की। उन्हें सबसे पहले तो मैंने उन्हें ऑडिशन दिया कि मैं कैसा गा सकती हूँ या नहीं, और उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ मैं गा सकती हूँ। तो पहले मैंने फर्स्ट हम्द रिकॉर्ड करवाई, अल्लाह अल्लाह, जो कि वाह मौला मूवी में भी आई है। और उसके बाद एक सॉन्ग किया दिल ले गया एक अजनबी, उसके बाद सफर स्टार्ट हो गया। और देन अब यानी ये पोजीशन है कि मैं जिस सॉन्ग से मुझे यानी इतनी शोहरत मिली, इतनी इज्जत मिली, गिला तेरा करिए, जो कि मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया था स्टार प्लस अवार्ड में। क्या बात है, तो ये आपकी छोटी सी स्टोरी, छोटी सी लेकिन स्टोरी, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है सबके लिए, जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, लड़कियां जो देख रही होंगी आपको, जिन्होंने अभी स्टार्ट लेना है, वो सोच रही है कि किस तरह हम भी इस तरह किसी पार्लर में जाएंगे, हमें भी कोई वो बिलो आंटी मिलेंगी और फिर हम बिलो आंटी के थ्रू चले जाएंगे। मेरी तो सब के साथ एक ही मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि जो भी लड़की फीमेल हो या मेल हो, जो भी इंसान अगर अपने एम को लेके चले तो उसको उस पे यानी उसको जरूर पूरा करे। हाँ, उसको लेके चले साबित कदमी के साथ, बिल्कुल बहुत जरूरी है वो साबित कदमी कि आपने चलना है उसको बिल्कुल ऐसे लाइन बना के, यू नो, यहाँ ड्रैग कर जाए आप के पता नहीं क्या हो जाएगा, हो नहीं रहा, डोंट पैनिक, सब अच्छा होता है, बिल्कुल इंशाल्लाह। जी जनाब फलक, सफर शुरू हुआ उस शाम से, उसके बाद सर स्टार्ट तो ये था कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा, 9th-10th में बहुत ज्यादा शौक था कि टीम में जाना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सफर ऐसे टूटा कि जब स्टडीज में कम हुआ काम, तो फिर घर वालों ने कहा नहीं अब ये काम खराब है, तुमने स्टडीज कंप्लीट करने। मैंने MBA किया हुआ, MPhil मास्टर्स में मैंने किया वैसे मार्केटिंग में। वेरी नाइस। तो अब घर वाले ये कहते थे कि नहीं स्टडी पूरी करो उसके बाद जो मर्जी करो। अब जब स्टडी कंप्लीट हुई तो क्रिकेट की एज निकल गई, तो उसके बाद फिर ये था कि टीचर्स की पैरोडी करता था क्लासरूम में, जो सर पढ़ा रहा और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना टीचर्स को, लेडी हो फीमेल को भी। कि फिर ये था कि सर आते थे क्लास में और आगे कहते थे यार फलक फ्रेश कर दो हमें। पॉलिटिशियंस, फिर एक्टर, फिर सिंगर्स, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके शो में आया। बिल्कुल। फिर आपने मतलब मोटिवेट अच्छा किया, मैंने सोचा यार ये काम सही है कि अगर आप गेटअप वैसा कर लो और कॉमेडी करो उस पर तो आवाम देखती है हंसती है। फिर जहाँ मैंने फैमिली में भी कहीं पे जाना तो उन्होंने मुझे बिठा के मजमा लग जाना, चलो जी इमरान खान, चलो जी शहबाज शरीफ, चलो जी हम भी आज ये करने वाले हैं, चलो जी इमरान खान, चलो जी शहबाज, वही छोटा सा स्टार्ट है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं फिर लेके चला, फिर मुख्तलिफ चैनल्स में करेक्टर किए, मज़ाकरात से मैंने मज़ाकरात में भी काम किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते देन यू नेवर टर्न बैक और आज फलक शेख दी फलक शेख बनकर कोशिश आपको हंसा रहे हैं, है ना? कोशिश है। और ये है कि आजकल डिप्रेशन भी बहुत है, हर बंदा बहुत मतलब टेंशन से गुजर रहा है, कोरोना हो गया, और उसमें अगर आपको कोई हंसाने वाला मिल जाए, किसी की बात देख के आपको सदका जारी भी है, सवाब भी है, बहुत आला, ऐसा ही है। बस आवाम खुश होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, हम भी बहुत खुश होंगे आज। आप देखेंगे ना इनकी पैरोडीज तो मजा आ जाएगा आपको, बिंदास होने वाला है सब कुछ। जी इरफान जहीर द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि उनकी स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। मेरी स्टार्टिंग तो बहुत अर्ली किया था, मैं स्टार्ट टीवी एक्टिंग से किया था, शास्त्री के बाद मेरी फर्स्ट प्लेस अरमद के साथ। एग्जैक्टली जी, तो उनके साथ था, 2-3 एपिसोड की, फिर उनके साथ ब्यूटी पार्लर में काम किया, फिर कोई 8-9 ईयर टीवी एक्टिंग की मैंने।
इंडस्ट्री एज यू नो के कराची शिफ्ट हो गई और मैं फिर प्रोफेशनल फील्ड में भी आ गया, एडवोकेट हाईकोर्ट भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो स्टडी के साथ और दूसरी चीजों के साथ आपके लहजे में एक ठहराव और वो यू नो शानदार बातें आपकी, पढ़ा लिखा बंदा है, वेरी नाइस, थैंक यू। तो वो फिर उसके बाद 5-6 साल प्रैक्टिस और ये सारे मामला, फिर एक कंपनी के साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, फिर काफी गैप आ गया, 4-5 साल मैंने कुछ नहीं किया इस फील्ड के रिगार्डिंग। फिर क्रिकेट वॉज माई ओनली पैशन, जैसे वो कह रहे थे कि बचपन में क्रिकेट बहुत खेली और यही एक था कि टीम के अंदर आना है, वो काफी ज्यादा खेला, गवर्नमेंट कॉलेज की टीम में भी था, उससे पहले सिविल लाइन की टीम में भी था, फिर मैं अपने लॉ कॉलेज की टीम का कैप्टन था। वाह। तो वो पैशन समहाउ पूरा हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, जो मेरा पैशन है उसको कहीं ना कहीं मैं कर नहीं पा रहा। फिर मेरे क्रिकेटर से काफी दोस्ती थी, हम देखते रहते हैं आपकी सेल्फीयां और आपकी फोटोज, हम जेलस होते हैं, ये खड़ा तो हम क्यों नहीं खड़े हुए ये होता है ना कोई बड़ा जो क्रिकेटर हो, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की ना, मैं एक बात बताऊं, मैं आपको, आप सब मानेंगे उनकी अपनी एक शोहरत है। अब मैंने सेल्फी लगाई, एकदम गया आपकी जो अकेडमीज है जहाँ वो, मैं वहां चला गया एकदम गलती से, ओ माय गॉड, मैंने अब लगाना शुरू करी फोटो शुरू की, शुएब अख्तर 2000 likes, यू नो, मतलब उनकी अपनी एक वो आ रहा है ये, बिकॉज पाकिस्तान में एक ऐसी स्पोर्ट्स क्रिकेट ही है somehow, जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, और ऐसी पहले हॉकी भी थी, अनफॉर्चुनेटली काफी उसमें हम लैक कर गए, अब एक ही स्पोर्ट है जो पूरी नेशन को लेके चलती है और उसपे सारा है, और जो हमारे स्टार्स हैं वो आजकल बस वो ही सुपरस्टार। तो मेरी उनसे दोस्ती काफी ज्यादा थी, कोचिस के साथ, मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लार के साथ बहुत दोस्ती थी, तो मेरा उनसे बैठना काफी ज्यादा था और इनसाइड मुझे सब मालूम होती थी। फिर मैं जब टीवी पे ऑब्वियसली मैच के बाद सारे प्रोग्राम देखना है, सुनना, तो मुझे लगता था कि ये जो पर्टिकुलर बात होनी चाहिए वो नहीं, ये कर, नहीं रहे, कर रहे यही होता क्योंकि है। मैं इनसाइड भी जानता था, फिर वो मुझे लोगों ने कहा कि आपके पास इसका भी एक्सपीरियंस है, यू हैव इनसाइड एज वेल, काफी लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप इस साइड पे दोबारा से आओ, और आपको पता है कि जो शोबिस का बंदा होता है somehow उसको वो चीज बैक करती है, जैसे भी आप जाके वापस आ गए हो, वो रोशनियां एक्शन वो आप मिस कर रहे थे लाइफ में, पता ही आपको, तो वो लाइमलाइट एक आपको पता है कि वो ट्रैक करती है। फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन 2015 में इसको कंटिन्यू किया मैंने एज ए प्रोफेशन और उसको लेके चला फिर मैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, अभी मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना शो भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा किया आपने, अपना शो करें और उसको लेके चलें अपने तरीके के, क्योंकि पहले मैं एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट जा रहा था, शोज के अंदर एंकर होंगे, अब एज एंकर भी होंगे, क्योंकि मैं उसमें भी समझ रहा था कई चीजें लैग करती है, सारा कॉन्टेक्ट तो है, सब दोस्त है वो तो आएंगे, और आप एक सर्टन, जैसे आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हो तो आप इसका कॉन्टेंट लेके चलते हैं, एग्जैक्टली इसका ये फॉर्मेट होना चाहिए, कॉन्टेंट होना चाहिए, इसमें ये बोलना चाहिए, बिकॉज आप एज एनालिस्ट एक सर्टन आपसे क्वेश्चन को आप उसको आंसर कर दोगे, और आप क्या चीजें उसको लेके चलना चाहते हो वो नहीं कर पाते, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत जल्द आप देखेंगे चैनल पे। फैबुलस स्टोरी जनाब, क्या बात है, सारे लगते हैं आज हमारे गेस्ट जो है वो इंस्पिरेशन बन के आए हैं, और मैंने कहा था ना आपसे कि आज हर एक अपना जॉनर है, म्यूजिक, कॉमेडी एंड देन स्पोर्ट्स एंड और चीजें, और अब बातें आ गई है जनाब हेल्थ की और फिटनेस की, तो जी आगा साहब क्या आपकी स्टोरी है? आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्टर, और साथ मेरा मतलब मुझे खुद 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब इस फील्ड में, फिटनेस की फील्ड में, मतलब आई एम अ पर्सनल सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैंने अभी ये वाई ब्लॉक में फिटनेस स्टूडियो प्रो है, वो फिटनेस प्रो स्टूडियो, उधर उधर ट्रेनिंग करवाऊँ क्लाइंट्स हैं मेरे, हाँ जी पर्सनली क्लाइंट्स हैं, हाँ साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि खुद जैसे दिखोगे वैसे ही बिकोगे ऑब्वियसली, और इसलिए साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन रखा हुआ है, और साथ साथ अपना ये शौक है मॉडलिंग का और ये एक्टिंग का ये कम्प्लीट कर रहा हूँ अपना, साथ साथ पूरा कर रहा हूँ, और बाकी अल्लाह पाक कामयाबी दे, मैंने प्रोफेशनली काम किया हुआ अभी ऑलरेडी, ठीक है। अभी लास्ट भी फिल्म आई है एक बाजी फिल्म, थर्ड डे, हाँ बात फिल्म में तो किया आपने, देखा था आपका रोल अच्छा था, तो ये थर्ड डे पे एयर वाइप पे रिलीज हुई थी, उसमें मेरे आई हैव डन 2-3 रोल्स इन दैट फिल्म, या एग्जैक्टली, सो और बाकी इतने सेलिब्रिटीज के फोन्स बहुत बजते हैं तो क्या बस ये साथ लोगों को अटेंड करना, ये exactly. नहीं, आप देखा आपने की सबकी स्टोरीज बहुत इंस्पिरेशनल है, लेकिन मुझे आप बताएं गुलाब के इतने गाने जब गा लिए हैं तो उनमें सबसे फेवरेट गाना कौन सा बन गया दिल के करीब? जो मेरे दिल के करीब है जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत भी मिली, गिला तेरा, थोड़ा आने दें फिर माइक आपके वो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं सुबह सुबह मुअत्तर हो जाए गुलाब की, हाँ थोड़ा सा लाइव एक लाइन बस सुनना चाहेंगे। गिला तेरा करे असि मर ना जाए, तू दूर जावे असि नेड़े आए,
शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ, मेरे मुंह ते ले हो गिला तेरा करे। बहुत आला भाई, नाइस भाई, नाइस। पहले मुझे बताओ कि इतनी पैरोडीज, आई मीन कोई हद होती है यार, तुमने तो एक लाइन लगा दी और हर पैरोडी जो है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पैरोडीज का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, कौन आपका इंस्पिरेशन कॉमेडी में, इसको देख के आपको ये एहसास हुआ कि मैंने इन जैसा इनको बीट करना है शायद? नहीं, ये बेसिकली ऐसे आया था कि एक्टिंग का शौक तो था, लेकिन मुझे सीरियस एक्टिंग का शौक था, जिसमें ना आईज के एक्सप्रेशंस हो पूरे, ये वो एक इस तरह की एक्टिंग का शौक था। नहीं, किस्मत कहाँ ले आई आपको, कहाँ पे, मतलब समझ से बाहर है, लेकिन ये था कि कॉमेडी मुझे पसंद थी, मतलब मैं देख के हंसता था। हाँ। और ये था कि राइटिंग का भी शौक था कि थोड़ा बहुत लिख के इसको मतलब खुद से बनाऊं, मतलब बातें, अब आमद है ना एक चीज ऐसी, मैं वहां बैठा हूँ, मुझे कुछ पीछे से मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, बिल्कुल, पता कुछ नहीं है क्या करना है, मैंने बिल्कुल बैठूंगा बात करूंगा अगली बात का पता नहीं क्या करनी, ये आमद है, क्या बोलूंगा क्या नहीं, इस तरह ही मतलब करते 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 आ गई। नहीं, सही बात है, लेकिन जिस पे आपको बहुत दाद मिली वो कौन कौन सी पैरोडीज है? वो थी सबसे, मुझे इंडिया से भी मतलब के दाद आपको मिली वाली। हाँ। वो अनिल कपूर के ना वो है वहाँ पे ना, आरिफ खान साहब हैं, ठीक है, जो अनिल कपूर का वो करते हैं स्टंट वगैरह, ओके फाइन, डुप्लीकेट है, उसके फिल्म में भी वो आ रहे हैं, उन्होंने मुझे इंडिया से कहा, उनको आई चौधरी शुजात, अच्छा ठीक है, इमरान खान, और मुझे था वो चौधरी शुजात को भी जानते हैं इंडिया में। हाँ, वाकई, तो अपना एक पर्सनालिटी है। सनी देओल की उनको पसंद आई, उसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने कई अभिनेताओं की आवाज सुनी है। हाँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वीडियो बना के मुझे एक मैसेज भेजा था वहाँ से। वेरी नाइस। और भी काफी एक्टर हैं जो पसंद करते हैं, लेकिन आपने तो एक बड़ा चला है वो एक दिन जो आप करते हैं ना, वो बड़ा मजे का लग रहा है, जैसे था ना एक दिन। हाँ। ये था एक दिन देव के साथ, देव के साथ वो देव बन के सिंग लगा के, तो ये किसी के घर घुस जाता है और ये करेक्टर ऐसा है, और जाके जैसे वो खाना खाने का शौकीन है। हाँ। और फिर गाड़ी में बैठ के उसके साथ वो इंटरव्यू करता है, बातें करता है, अच्छा, खा पी के चुटकी बजाता उड़ जाता है। एक दिन देव के साथ, देव के तो साथ। वो देव उनके घर पहुंचे, क्या बनेगा, चले हवा तीनों हजरात, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोहेल कड़ैच, मेरे साथ मौजूद है गुलाब, मेरा मतलब गुलाबो, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। खाने में क्या पका है? खाने में मटन। वाओ, और मटन के साथ ऑब्वियसली राइस। राइस, ये क्या बात हुई, आप कुछ और पकाएं? आपको क्या पसंद है खाने में? आप बकरा मंगवा लें रोस्ट करवा के। अच्छा जी, चले वो भी मंगवा लेती हूँ। हवा तीनों हजरात, हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, वापसी पे हम खाना खाएंगे। बाकी बहुत अच्छी, आपने सही उनकी आपने लहजा अपनाया, बिल्कुल नहीं, नाइस, ओबी स्पॉन्टेनियस, बगैर किसी उसके। वाल्ड साहब, ये आज हम बहुत सारी पैडीज करवाएंगे, तैयार रहे और साथ साथ रहे हमारे, कि पैडीज आती रहेंगी गैप गैप से, है ना? बिल्कुल, एक तो हो गई है, एक दिन देव के साथ तो हो गई है। सही बात है, उन्होंने यही कहा था एक दिन देव के साथ, मैंने कहा ठीक है। मुझे आप बताओ भाई कि क्या हालात जा रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स के, और हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ा आपकी एनालिसिस चाहिए, क्योंकि बहुत से यू नो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट इस पर सेल्फियां लेने, उससे बहुत हो गया, ये मुझे बिल्कुल गंदा ट्रेंड लगता है ना? सही है, दे शुड फोकस ऑन द प्ले नाउ। देखिए, आप सबसे पहले तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल आप रिकॉग्नाइज करें कि आपकी रिकॉग्निशन हुई किस वजह से। एग्जैक्टली, जब आप आउट ऑफ ट्रैक होते हो किसी भी फील्ड के अंदर, आपका फोकस अपने काम से जब रिट्रैक कर जाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट के अंदर इशू क्या है कि मोस्टली लड़के जो उनका बैकग्राउंड है वो काफी अर्बन एरिया से है, रूरल एरिया से, तो वो जब आते हैं और फेम, वो पैसा, वो सब कुछ आता है, तो वो समहाउ उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। इसके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, स्पेशल लेक्चर्स होने चाहिए। आल्दो के पीसी भी आप कुछ कर रहे हैं, बट उनका ज्यादा फोकस एंटी करप्शन वाली साइड पे ज्यादा है। मेरी उनसे भी कुछ लोगों से बात हुई थी पीसीबी के अंदर भी, कि इस चीज में आपने देखा कि हर थोड़े स्पैन के बाद कोई ना कोई प्लेयर विक्टिमाइज होता जा रहा है। यू कैन नेम इट आफ्टर 3-4 मंथ। अभी रिसेंटली आपने देखा उमर अकमल आ गए हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपके पास एक लंबी लिस्ट है, शर्जील था, उससे पहले आमिर थे, ठीक है, सलमान भट्ट वगैरह। तो आपको उनको ट्रेन अप करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, जो सबसे नेसेसिटी है कि आपने इस चीज को कैसे लेके चलना है, आपके एज ए क्रिकेटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं हो, आप अपने कंट्री के एम्बेसडर भी हो, ठीक है, आप पूरी दुनिया आपको फॉलो कर रही हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर होते हो, नॉट नेशनल प्लेयर। तो आपको सारी चीजों के डिकोरम को फॉलो करना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीजें लैक करती हैं और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और वो फिर कंट्री भी डिफेम होता है। सही कह रहे हैं, और रूल काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, बट आपको रादर देन के रूल स्ट्रिक्ट करें, साथ पैरेलल इस चीज को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, कि उनको एजुकेट भी करें।
कि कहीं वो जो लैग करेगा वो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो आपके सामने सबसे अच्छा कौन खेल रहा है इस वक्त? जबरदस्त तो बाबर आजम जी, बाबर आजम खेल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली हम रिसेंटली टेस्ट मैच जीता हुआ हार गए इंग्लैंड से, उसमें काफी चीजों के कंसर्न्स अभी हैं, इश्यूज हैं जो टीम के अंदर आ रहे हैं। नहीं, जब से मैनेजमेंट आई है उन्होंने काफी ज्यादा शफलिंग कर दी है प्लेयर्स के अंदर, पर्टिकुलरली जो स्लॉट, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट है वो कैप्टन का है। अभी हमारे पास कैप्टन का स्लॉट बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। जैसे आप देखेंगे 2 साल से अजहर अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपने उसको एकदम लाइकिंग के अंदर कैप्टन बना दिया। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हर जगह है जी, इस कल्चर में तो मेरा मुंह ना ही खुलवाओ। नहीं, इस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। ओके, एज आई नो इनसाइड तो मुझे सब पता है कि इस मैनेजमेंट के काफी इश्यूज है। तो आपने एक ऐसे प्लेयर को कैप्टन बना दिया जो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका प्रॉब्लम क्या आता है कि पूरी टीम गिरती है। Exactly. जैसे आपने देखा फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड इनिंग में पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई क्योंकि आपका कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा। Yeah. फिर आप T20 में भी वही मिस्टेक करने जा रहे हो। आपने बाबर आजम, आपका बेस्ट प्लेयर है, आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर T20 आप ODI में भी ऐड कर दी है। अब बाबर आजम परफॉर्म तो कर रहे हैं, नो डाउट, आप कर क्या रहे हो? आप फॉलो कर रहे हैं विराट कोहली को। विराट कोहली, यस, विराट कोहली 3-4 कैप्टन के अंदर खेला पहले, वो एक प्रोडक्ट बना आपकी, और उसका फिर एक लेवल जब आया तो फिर उसने कैप्टनसी ली और उन्होंने दी। इधर आपने शादी की उसने तो आप अब्रप्ट एकदम से आप इतना बड़ा, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम का कैप्टन होना शायद प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड बड़ी डेजिग्नेशन है किसी भी बंदे के लिए। बिल्कुल सही बात। आप उसको इस तरह, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि आप एम्बेसडर भी होते हो, आपके सिर्फ प्लेयर्स को हैंडल करना नहीं है, हाँ। आपने बोर्ड को हैंडल करना है, आपने मीडिया को हैंडल करना है, फिर इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करना है। अब आपका कैप्टन ऐसा है जो बात नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली गेम में तो जबरदस्त है, तो आप पहले उसको ट्रेन करें, उसको गाइड करें, उसको लेके चले 4-5 साल, एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाए, वो प्रॉपर कैप्टन की कमोडिटी बन जाए, तो फिर आप उसको इंडक्ट करें। आप विदाउट प्रिपरेशन फॉलो करते हुए, अच्छा जी वो उधर विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है, उसको हम कैप्टन बना देते हैं, हम भी बना देते हैं। सही बात। तो ये चीजें सफल करती है, और आई गेस के सरफराज को उठाना बहुत बड़ा अनजस्टिफाइड डिसीजन था, जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, T20 में आपको नंबर 1 पे लेके आया, बट ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, नॉर्म्स हैं जिसको हम देखते हैं जी। वो ठीक बात है जी 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 जी। इवन वो गाड़ी ने गाना भी गाया तो ये आपने जो एग्जांपल दी, यही अगर ये काम रिकी पोंटिंग ने भी किया हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड में भी हुआ हुआ, कैप्टन ने पानी पिलाया, लेकिन हमारा जो साउथ एशिया रीजन है इसमें ये चीजें नहीं होती, नहीं होती। आपको जब मालूम है कि हमारा रीजन किससे बिलोंग करते हैं, हमारे इधर नॉर्म्स क्या है, तो आपको इस पे बड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो आपने वो हरकत उससे करवाई जो कि एक पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो न्यूज बन गई, वो शूज लेके जा रहा है, फिर वो पानी लेके जा रहा है। तो इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है, बुरी नहीं है, देखिए उसका जेस्चर जो अच्छा है, लेकिन आपको अपनी सोसाइटी के या आपके लोगों के नॉर्म्स को देखना पड़ता है ना जी। बीइंग आप कैप्टन, आप उसको इस तरह लेके चलेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि बातें होती रहेंगी। लेकिन वक्त आ चुका है गुलाब की पहली परफॉर्मेंस का, चूंकि हमने तो आज आपसे 3-3 गाने सुनने, मेरी ये एक डिमांड है, अगर रिक्वेस्ट है, डिमांड नहीं करनी हमने, हम रिक्वेस्ट करेंगे गुलाब से। तो आइए आज आपका पहला गाना सुनते हैं, सर धुनते हैं, वापस आएंगे इस म्यूजिकल और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद एजाज वारिस। रोज देखते हैं आप पीर से जुमा, यानी कि 5 लगातार दिनों में सुबह 10 से 12 लाइव। आइए जनाब। We'll be right back.
क्या गाना था और क्या आवाज है गुलाब, आपकी तो आवाज दो साल में और खूबसूरत हो गई है। ये बस आपकी। वेल डन वेल डन। मुझे बताओ गुलाब के आप क्या नाश्ता करती हैं सुबह? सुबह उठ के मेरा दिल करता है मैं बहुत लाइट नाश्ता करूं, जिससे कह सकते चाय बिस्किट। ठीक है। पहले जब मैं बहुत ज्यादा हेल्दी थी तब मेरा दिल करता था। अब तो आप बहुत ट्रिम हो गई हैं। ये बस मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं पहले उठती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उठते ही कुछ हैवी खा लूं। बस आपकी तवज्जो चाहिए। हम आपसे आखिर में पूछेंगे, अभी नहीं, हम आपसे आखिर में बात करेंगे। हम तीनों का सुन लें एक दफा। मतलब मैं बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो गई थी, देख के ही मेरा दिल करता था कुछ खा लूं बस अब। लेकिन अब मैंने खुद पे कंट्रोल किया है, उठती हूँ पहले एक कप चाय, उसके साथ बिस्किट, देन एक कप ग्रीन टी, उसके बाद लंच। इसका सुबह सुबह नहीं, सुबह का नाश्ता पूछा मैंने आपसे, ग्रीन टी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपका क्या होता है? जो मिल जाए। नहीं, फिर भी जो मिल जाए भी एक टर्म है, मैं दो मिल जाए। इसका ये है कि मैं दो ब्रेड के पीस और साथ एग। ओके। और साथ एक कप चाय। ठीक है, और आप? समर को लग रहा है आपने मेंटेन पर किया हुआ है फिटनेस को। कोशिश सही जा रही है, स्पोर्ट पर्सन है ना जी। उसमें समर में तो मेरा 6-7 मंथ शेक चलता है विद एग, और विंटर में जैसे विंटर आ जाता है तो फिर मैं योगर्ट या मैं जूस, फ्रेश जूस लेता हूँ, और उसके अलावा नहीं। मॉर्निंग में कुछ खाया ही नहीं जाता। मुझे आप बताएं हमारे फिटनेस ट्रेनर साहब, आप तीनों के जवाब सुन लिए, आपके ख्याल में सबसे अच्छा नाश्ता हेल्दी कौन कर रहा है? पहले तो ये आजकल की थिंकिंग बनी है, ऑपोजिट शेड्यूल चल रहा है। हमें असल में ना ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा हैवी करना चाहिए। यहाँ से ब्रेकफास्ट सिर्फ ग्रीन टी से होता है या बिस्कुट से हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा कोई टी, मतलब जिंजर टी जो भी है, ग्रीन टी वगैरह इन चीजों से होता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा हैवी नाश्ता ब्रेकफास्ट में करना चाहिए। उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए, मतलब कि जो लंच का टाइम है, और उसके बाद जो डिनर करना चाहिए उससे भी कम। मतलब ब्रेकफास्ट जो करना चाहिए हमें हैवी करना चाहिए, और जो आगे लंच से हमारा ऑपोजिट है, हम ब्रेकफास्ट कम खाते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर, करते ही नहीं है बिल्कुल ना होने के बराबर। लंच उससे हैवी, फिर रात का खाना उससे हैवी, और ऊपर से लेट नाइट, लेट नाइट। और जबकि स्नैक्स, एक शाम को ना स्नैक्स लाजमी खाने चाहिए, ताकि आपको रात को जो खाना है ना वो आप कम से कम खाएं, और वो आपके लिए जो हम सारा दिन में सुबह शाम सुबह दोपहर वगैरह खाते हैं ना, वो सारा हमारी अपर बॉडी पे लगता है। जो रात को ज्यादा खाते हैं ना उसका वो सिर्फ लोअर पे बैली पे। अरे मुझे बताएं कि जब भूख लग रही हो, क्योंकि आप के सामने दही भड़े, मैं जस्ट एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। मेरी तो माशाल्लाह वैसी बहुत डाइट है, आप क्या बताओ। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर लें। भूख लगी हो और आपके फ्रिज में पड़े हो आलू चने, एक मिसाल लाइट आलू चने ड्राई वाले, और साथ में दही भड़े हो या फ्रूट चाट हो, तो वो खाना ठीक है? खाने चाहिए, वो खा सकते हैं ना, कि आप खाएं कुछ समोसे पकौड़े वो ना खाओ। जी तो बात समझ में आ गई, अब तो सर पता ही है बिल्कुल। बट वो मैं अटैक करता कि उसमें आप मसाले वगैरह ये वो किस लिहाज से, मतलब कि कम लाइट रखने हैं, ज्यादा हैवी नहीं रखना, सॉल्ट की क्वांटिटी भी कम रखनी है। ठीक है, और इस लिहाज से बाकी आप खाएं कोई, मतलब वो हेल्दी फूड्स ही हैं। बट मैंने सुना है लुकमान हकीम साहब ने बोला है कि जो सुबह को दही खाता है वो मर कैसे जाता है, और जो रात को दही खाता है वो जिंदा कैसे रहता है। अच्छा। तो रात को दही नहीं खाना चाहिए। नहीं, 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 रात के खाने के रिगार्डिंग के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप रात का कोई खाना स्किप करता है तो वो बुढ़ापे की तरफ तेजी से जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जरूर खाएं, लेकिन उसके बाद कम से कम आपको 100 कदम जरूर वॉक करें। अगर आप चाहे आपको रिंग के करनी पड़े, अगर आप लेथार्जिक हैं तब भी, उन्होंने कहा। और तीसरी चीज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि आप हमेशा भूख रख के खाएं, कि आप अपनी एपीटाइट को कंट्रोल रखें, इतना ना खाएं कि आप मेनली 2-3 आवर्स का गैप रख के खाना चाहिए। कुछ लोग तो मतलब यहाँ तक खाते हैं और ठीक ठाक खाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक खाते हैं। खाने के लिए जिंदा है वो, खाने के लिए जिंदा। लेकिन बाद में उसकी प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहूंगी, प्लीज कीजिए। मैं पानी भी पी लूं मुझे वो भी लग जाता है, मतलब मैंने एक पूरा वीक खाना छोड़ के भी देखा है, यानी ग्रीन टी या फिर बिल्कुल लाइट स्नैक्स वगैरह कुछ खा लिया वो भी मुझे लग जाता है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? कुछ वो बॉडी के से भी डिपेंड करता है, बस लोगों को ये फील हो जाता है, मतलब जींस भी होता है कि वो होते जींस कैन नॉट बी चेंज। लिखा हुआ है कि हमने फैट होना ही होना है, तो पहले होता है सही। मेरे पहले यहाँ आती है फैट, मैं क्या करूँ? मेरे भी फेस पे ही फैट आता है। असल में फेस का फैट ये, आपकी बॉडी का फैट कम होगा ना तभी आपका फेस का फैट स्लिम होगा। जब तक आपकी बॉडी पे फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगी ना तब तक आपका फेस नहीं स्लिम हो सकता।
लोग कहते हैं बबल्स खा के बन जाते हैं ऐसे रनिंग से बॉडी चबी और फेस स्लिम हो ऐसा नहीं। मैंने जो सुना है कि बबल्स से ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है मेरे ख्याल में, इस बारे में मैंने बहुत गैस हो गई तो गैस इसलिए बबल्स बंद कर दो, वैसे तो सुबह के टाइम में विदाउट मील होता है और या फिर योगर्ट साथ होती है, उसके बाद ब्रेक मतलब के 12 से 2 के दरमियान मेरा जो होता है वो गैप होता है और उसके 12 से 2 के दरमियान में उसके बाद मैं सैलेड खाता हूँ, सैलेड विद मीट या छोटे का गोश्त बड़े का जो भी है, फिर शाम के टाइम थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाता हूँ। स्नैक्स में भी यही फिर मतलब कि ब्राउन राइस हो जाती है साथ चिकन, लीन चिकन मतलब लीन मीट, उसको मतलब बॉइल करके या ग्रिल करके खाता हूँ, उसके बाद वर्कआउट से पहले मिल्क शेक प्रोटीन शेक जो भी मतलब ये पीता हूँ। ये मैंने एक प्लान किया था सबके साथ के जी मैंने कोई एक खास स्टार्ट की डाइटरी डाइट जो होती है बड़ी पता प्लान डाइट जो होती है प्रॉपर प्लान डाइट होती है। दो दिन खाएं दिल उठ गया वो बड़ा उसके लिए था। उससे सिंपल फार्मूला जो मैंने देखा ना कि आप अपनी एपेटाइट को कंट्रोल रखने के लिए आप सीजनल फ्रूट्स की तरफ जाएं। पाकिस्तान वी आर वेरी लकी यू नो दीस डेज पीच बहुत मजे की बेरीज मैंगोज हैं अप्पल्स हैं, आप उसको उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, मैक्सिमम करें, आपकी न्यूट्रिशन भी सारी बॉडी की फुलफिल होंगी, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है रादर देन कि आप वो मल्टी विटामिन और सप्लीमेंट खा के अपना किडनी खराब कर लें। अब ये फालसा देख लें आप जी बिल्कुल, ब्लू बेरीज देख लें, शानदार चीजें हैं। हम तो बड़े लकी हैं बनने में, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीजन है हमारे पास और चारों सीजन के फ्रूट्स हैं हमारे। 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ पैरोडी हो जाए मेरे ख्याल में। एक फरमाइश आप लोग करें ना, आप लोग गेस्ट इमरान खान जी, पीएम साहब, इमरान खान से ही स्टार्ट करते हैं जिन्होंने शानदार ये काम किया कि हमारा कोविड जो है वो बिल्कुल बड़ा काम किया उन्होंने, काम किया है इसमें। चलें खान साहब करते हैं, सारे माइंड में लेके इमरान खान का मेरा गेटअप तो नहीं है। हाँ गेटअप तो नहीं है। ओ मेरे पाकिस्तानियों, ओ मैं कह रहा हूँ थोड़ा सबर करो, ओ तब्दीली बस अगले चौक पे खड़ी है, ओए मैं कह रहा हूँ तब्दीली लेकर ही आऊंगा अगले 5 साल, आपने मुझे वोट देना है ओ गुलाबो। हाँ जी मैं कह रहा हूँ मुझे तुमने सपोर्ट करनी है और आप सबने खान साहब को वोट देना है। जय जी बोलो वाला। लेकिन आप एकदम से जब आते हैं तो एक और करवा लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ मैंने आजकल नहीं सीखी है, नवाज शरीफ जी। हाँ बताइए फिर, नहीं पहले बोले शहबाज शरीफ भी कर लेते हैं, पहले नवाज शरीफ कर लेते हैं, सीखा है नया नया तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ नया नवाज शरीफ। अच्छा उनको मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। मुझे बताए अल्लाह के फजल करम से क्यों निकाला मुझे, मेरा क्या कसूर था, मैंने मेट्रो बस बनाई, मेट्रो ट्रेन बनाई, अरे मुझे बताओ क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझे। बहुत आला, वेरी नाइस, जाजी की नहीं अभी मेरी नहीं ये नहीं हो सकता गुलाब अभी नहीं, एंड पे ना एंड पे मुझे अब बताएं गुलाब की कितना मुश्किल होता है एक नई सिंगर के लिए जगह बनाना अपनी इस इंडस्ट्री में जहाँ पर यू नो जालिम समाज यहाँ से आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिसके साथ अच्छा सपोर्टर और अच्छा गाइडर हो मेरे ख्याल में उसको इंडस्ट्री में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। और मुझे जो सपोर्ट करने वाले हैं जो मेरे गाइडर हैं खुर्रम भट्टी जी, मुझे मुझसे जो भी क्वेश्चन करता है मैं यही जवाब देती हूँ कि मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मेरी सारी मुश्किलें मेरी सारी प्रॉब्लम्स खुर्रम भट्टी जी ने फेस की हैं। क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन होता है और कुछ सीनियर सिंगर्स भी हैं, मैं तो खुद अभी जूनियर हूँ और मैं सबसे सीखती रहती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से किसी की दिलाजारी ना हो। सो बस काम मैं जब बात था ना बहरीन में, मैं देखता था आपकी वीडियोस आती थी मेरे सामने ना, उनका मियार था वीडियोस का, उनका लेवल है हर जैसे नहीं, मतलब उठ के बना दी वीडियो, एक लेवल सेट किया और एक अच्छी वीडियो बनाई, नाइस कि आप पूरे टीम वर्क की वजह से है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप किसको सुनती हैं फिर? मैं ज्यादातर मैं सब सिंगर्स को सुनती हूँ, लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन है वो है मैडम नूरजहां जी, बिकॉज मुझे पंजाबी सॉन्ग्स गाना बहुत गाना जो उनका बहुत पसंद हो मैडम का, मुझे उनकी एक गजल बहुत ज्यादा कौन सी लुत्फ वो
एक लाइन, अब जब बैठी है सिंगर तो फायदा खाना बनता है। बिल्कुल लुत्फ वो इश्क में पाए हैं, वाह, कि जे जानता है बहुत आला, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जे जानता है, जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए हैं, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे इन्हीं कदमों की कसम, खाक में कितने मिलाए हैं के जी जानता है, जी जानता है लुत्फ वो इश्क में पाए वेरी नाइस nice. और पता है मैं ये बात करूंगा आप लोगों से भी कि मैडम नूर जहां आज भी जिंदा है अपने इन्हीं गानों की बदौलत, वो हमारे दिलों में हर वक्त हैं। वो ही एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए एक ऐसी स्टेटस सेट कर गई है कि उसको अचीव करना तो यू नो कौन उस लेवल तक जा सकता है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब दोबारा आप पे आ जाते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनने का ख्याल आया आपको, क्योंकि वैसे तो अच्छा बोलते हैं, आई नो आप बड़े दिल में घर कर जाती है हमारे, लेकिन वैसे कैसे ख्याल आया कि मैंने ये बनना है मोटिवेशनल स्पीकर? ये बेसिकली जब मैंने ये स्टार्ट किया दोबारा 2015 में, या तो कई एक दफा ऐसे हुआ कि कुछ ऐसे सिनेरियो आए मेरे पास जो लॉ के रिगार्डिंग थे, इश्यूज थे, उनको एड्रेस जब किया तो वो बल्क के अंदर ना डिस्कशन बड़ी लंबी होगी 15-20 बंदों के साथ उनको सेटल डाउन करते हुए मसले को, तो एक दो दोस्तों ने कहा कि तुम व्हाई नॉट यू ऑप्ट फॉर द टीचिंग और दैट स्टफ। मैं कहा टीचिंग का अपना मेरा नहीं है वो, माइंड नहीं है उस तरह टीच किया जाए तो वो बड़ा एक स्पेसिफिक होना पड़ता है। फिर एक दफा कासिम अली शाह साहब के साथ बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती भी है उनके साथ, उनके साथ डिस्कशन हुई, बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हालांकि नॉर्मली प्रोफेशनल जलसी में ऐसे लोग गाइड नहीं करते कि आप कि मैं तो हूं, तुम क्यों आ रहे हो इस फील्ड में, तो उन्होंने मुझे कहा कि यू स्पीक रेडी वेल, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए एंड यू हैव द नॉलेज। मैंने पहले कोई लाइन बोली थी कि आप बोलते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बड़ा एक स्मूथ टोन में जा रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो वो उन्होंने फिर जब मोटिवेट किया तो देन आई स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट दैट वेल। Yeah. तो अब मैं उस पर दो तरह का काम कर रहा हूँ, एक तो डिफरेंट ऑफिस के रिगार्डिंग भी लेक्चर्स दे रहा हूँ मैं, जो ऑफिस के स्टाफ को मोटिवेट करने के रिगार्डिंग। अब मैंने उसमें एक चीज और ऐड की है, 1-to-1 सेशन भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं जो स्पोर्ट्समैन के लिए भी होते हैं, दूसरे आम पब्लिक के अंदर भी होते हैं। आई पर्सनली बिलीव के आप अशफाक अहमद साहब को मैं एक दफा सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि इंसान कभी गम की वजह से सुसाइड नहीं करता, सबसे बड़ी लास्ट स्टेज क्या है सुसाइड, मतलब एक्सट्रीम है किसी भी चीज का। वो कहते हैं किसी आप गम की वजह से नहीं सुसाइड करते, आप हमेशा तब सुसाइड एक बंदा करता है जब उसकी कोई बात नहीं सुनता, जब वो सारे उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, तो वो बंदा उस स्टेज के ऊपर आके क्या करता है। तो एज ए मोटिवेट स्पीकर मेरा क्या काम होता है इवन 1-to-1 काउंसलिंग के अंदर भी, कि कई दफा पेरेंट्स आते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, उसको इश्क का रोग लग गया, किसी को स्टडी का कुछ लग गया, तो वो होता क्या है कि उसकी बात को सुनना, पहले आप उसको सुनो तो सही वो कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। आप क्या करते हो बेसिकली दूसरे को हमेशा स्नब कर देते हो, जब मैं कह रहा हूँ वो सुनो, मैंने तेरी बात नहीं सुननी। बिल्कुल। इवन दो अगर हम इधर चार लोग बैठे एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तो पूरा ये एक डिजास्टर किस्म का अजीब सिनेरियो बन जाएगा, क्या हो रहा है। तो एक दूसरे को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक को उसका हक मिलना और चाहिए। मैं इसमें जो जी और मैं इसमें एक जो एडिशनल चीज करता हूँ कि मैं एक दो सेशन के बाद लकीली कि मैं उसको ग्रैप कर जाता हूँ कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, इस बंदे की पॉजिटिविटी किस चीज के अंदर है, तो फिर मैं उसको हाईलाइट करके उसके ऊपर उसको फोकस करता हूँ कि आप उस चीज के अंदर आओ। अगर आपको एक बंदे को यही नहीं पता कि मेरा पॉजिटिव क्या है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे ये कॉमेडी करते हैं तो कर कुछ और काम रहे हैं, तो इनको अपना ही नहीं पता कि मैं किस में अच्छा हूँ या ये सिंगिंग में है, तो वो अगर दूसरी इंटायर साइड पे जाते जाएंगे तो वो देयर इज नथिंग।
वो किसी भी जगह पे उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा उनको, ठीक हो गया। तो आपको अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे लेके आना और उसको फिर जाके मोबिलाइज करना उस बंदे को, वो फिर ये कोशिश होती ठीक है। जबरदस्त, थैंक यू। मुझे आप बताएं आगा जी कि आपका पहला जो रैंप शो था उसको कैसा एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग्स थी, डर लगा था वॉक करते हुए? नहीं, डर तो नहीं लगता, बस अपने अंदर एक मतलब वो एबिलिटी लानी पड़ती है आपको, वो चीजें सीखनी पड़ती हैं, उसको मतलब फॉलो करना पड़ता है, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके लिहाज से किसी बंदे ने गाइड किया आपको? गाइड किया एक, हमें मतलब हर कोई बंदा सीख के तो नहीं आता, थोड़ा बहुत किसी ने गाइड किया है मुझे, और उसके बाद उसके मैंने आगे से आगे खुद अपनी मेहनत अपनी स्ट्रगलिंग से आगे गया। तो लास्ट भी मैंने उसमें भी वॉक की थी HBCW में, हम राइडर कॉर्पोरेट वीक में, तो लास्ट में भी वॉक किया। अभी भी मेरे प्रोजेक्ट्स मतलब ये हैं, इसके बाद ईद के बाद उन्हें कुछ दिनों तक स्टार्ट होने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में कि एक जो आए लड़के हैं जो देख रहे हैं इस वक्त हमें और मॉडल बनना चाहते हैं, उनकी बहुत ख्वाहिशात होती है उन्हें मॉडल बनना तो है ये ना? बात उनके लिए दो तीन बताओ क्या चीज़ खास आज के ना या आजकल के यंगस्टर्स को, एक तो ये बड़ा है मतलब दिखने में अच्छा लगना है उन्होंने, उनकी ये होता है एक बात, गुड लुक से चले, गुड लुक। हाँ जी, अब उनकी तीन खूबियां क्या हो कि वो मॉडल बन जाए? सबसे पहले तो तीन खूबियां तो पहले ये है, उसके लिए आपके लिए सबसे फर्स्ट तो आपका फेस कट होना चाहिए, गुड लुक। सेकंड आपकी बॉडी लीन होनी चाहिए और हाइट उसमें जो फिल्म आएगी तो कब आनी है वो फिल्म, आई हैव नो आइडिया। इंशाल्लाह, चलिए ठीक है जनाब, अब वक्त आ गया है फिर से सुरों की बारिश बिखेरने का, और हस्बे वादा सेकंड गाना अब हम सुनेंगे आपसे, ये गाना कौन सा है? मजे का सरप्राइज, ये मेरा रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ है, ओ बेवफा वे सांवला मेरा दिल मोहे। हां, वे सांवला था, बिल्कुल सही है। आइए जनाब सुनते हैं, वापस आते हैं, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद एजाज वारिस जैजी के साथ। Peace।
जनाब वापस आ चुके हैं हम ब्रेक के बाद और बहुत मजे का गाना था एंड वी लव्ड इट और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमें बैक टू बैक डोज मिल रही है म्यूजिक के आपके गानों के जरिए और गुलाब गाती भी बहुत दिल से और बहुत अच्छा गाती हैं एंड सो वी आर ऑल हैप्पी फाइन आपकी मॉर्निंग को हसीन बना दिया हमने आज की सुबह अच्छी भी है मोतर भी है और खासतौर पर अगस्त की सुबह है जब आज़ादी की वेव्स फुल ब्लूम पे हैं और हम चाहते हैं कि आपने हमारा जो 14th अगस्त का मॉर्निंग शो मिस नहीं करना क्योंकि उसमें बहुत कुछ आने वाला है ठीक है जनाब तो अब हमें बारी आती है दोबारा पैराडीज की तो फरमाइश आप लोगों की क्या है बताएं बिलावल की फरमाइश बहुत ज्यादा है डूड आने दो बिलावल की करते हैं कहाँ पहुंचे हैं बिलावल अभी अंकल जैसी जी जी मुझे अंकल बना के तुमने आप मुझे बताएं हुकूमत क्या कर रही है हुकूमत बहुत काम कर रही है तो मुझे भी पीटीआई में रखवा देना कोरोना खत्म हो गया अब क्या रखवाएं आपको आप मुझे तो आप अपने शो में बुलाते ही नहीं है क्या बुलाएं आपने फिर सर ही खाना है चीख चीख के चीख के सर खाना है जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है वो तो हम जानते हैं वो भी बड़ा मजे के डायलॉग था ना खून के बदले खून सर के बदले सर खून के बदले मतलब उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है चौधरी शुजात हाँ प्लीज अच्छा चौधरी शुजात साहब करते हम सब बिल्कुल ठीक है बड़ा खर्चा कर लिए करने की कोशिश तो की है खर्चा थोड़ा बहुत बड़े अच्छे गेस्ट बुलाए मैं देख रहा था बड़े सेट भी बहुत जबरदस्त बना दिया है ना प्यारा है ना कितना पैसा लगा बस ये एक राज है कितना पैसा लगा है कितना मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता मैं टैक्स लगाना ना तुम ये वजह है बहुत आला मेहमान जो है वो रोटी रोटी खा के मेरे से अच्छा मुझे भी बताएं कि आप गवर्नमेंट में कब आ रहे हैं सही तरह से अगले 5 साल बाद घूमने हमारी है और किसकी अच्छा 1122 हमने बनाई है वो पता है ख्वाब तो काफी अच्छे देखते हैं जी जी बिल्कुल नारे पाकिस्तान भी मैंने बनाया अच्छा मजाक से बहुत आला वेल नाइस नजर आज हमने एक फैसला किया था कि हमने आज वेट लॉस की बातें भी करनी है उसके लिए हम कहाँ जाएंगे बताए ना आप सबको कहाँ जाएंगे वहां जाएंगे वेट लॉस करना है किसी ने बहुत लोगों की फरमाइश थी कि वेट लॉस का प्लान होना चाहिए अगर किसी ने फर्स्ट कर किसी की शादी होने वाली है शादी 2 महीने के बाद है आजकल लोग करते हैं ट्रेनिंग शादी के लिए शादी के लिए कि फोटोज मजे की लगेंगे अच्छे तो क्या प्लान किया जाए उसके लिए पहली तो ये चीज मैं ये कहूंगा खास यंगस्टर्स के लिए वो एक तरफ कहते हैं अच्छा दिखना चाहते हैं पहली तो मैं उनको यही बात करूँ अगर चिकना दिखना चाहते हो तो चिकनी चीजें छोड़नी पड़नी पॉइंट की बात अगर चिकना दिखने का तो चिकनी चीजें छोड़ने का चिकनाई मजेदार है तो ये बाकी अपने क्योंकि बैड हैबिट्स वगैरह को इनको थोड़ा कम मतलब छोड़ना अपने गुड हैबिट्स की तरफ ज्यादा मतलब हेल्थ की तरफ ज्यादा फोकस लेकिन डाइट का बताओ पहले डाइट पे क्या खाएं वेट लॉस करना हो मतलब अब हर बॉडी का अलग से होता है अपना होता है लेकिन अगर आपने प्रॉपर मतलब एक डाइट प्लान अगर स्टार्ट करना है किसी ने एक्स्ट्रा स्टार्ट करनी है जैसे अभी वर्कआउट स्टार्ट करना है जिम वगैरह में तो उसको स्टार्टिंग में तो उसने जो है ना वो बॉइल्ड एग्स खाने पड़ने हैं अगर आपका आप ऑलरेडी हेल्दी हो तब आप योक का यूज ना करो अगर आप जस्ट आपने व्हाइट स्पेडी जो होती है प्रोटीन को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ना है आपको ठीक है और इसके बाद आपको मीट खाना मीट में आप चिकन भी खा सकते हैं चिकन मतलब कि आपने खाना है उबाल के उन्होंने सुना है कि चिकन खाने से वजन बढ़ जाता है नहीं वजन नहीं बढ़ता वजन नहीं बढ़ मैंने अगर आप उसको फ्राई करके खाते हैं ये जंक फूड मतलब आप शवारमा ये चीजें खाएंगे तो जाहिर बात है मैं ऑब्वियसली यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने भी जंक फूड क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चिकन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेकिन आपने फिर वो ग्रिल करके या फिर बॉइल चिकन ब्राउन राइस के साथ यानी अगर आप बॉइल करके बोल रहे हैं तो वो हेल्दी है लेकिन जो घर में आपको पता है वो एक कढ़ाई टाइप है ऊपर ऑयल आया होता वो उस कढ़ाई से मैं लेकिन वो आप लेडीज के लिए वैसे ज्यादा ये होता भी नहीं जरूरी मतलब ये लाजमी नहीं है मसल्स वगैरह जिन्हें बनाने होते हैं और यंगस्टर्स के लिए ज्यादा होता है हमारे ऑलरेडी मेरे ना कुछ क्रिकेट ट्रेनर्स से बात हुई डॉक्टर्स जो उनके फिजियो भी हैं उनसे भी दोस्ती है तो गपशप होती रहती है तो वो क्रिकेटर्स को लेक्चर दे रहे थे बता रहे थे कि हम लोग समझते हैं कि दूध ज्यादा पीना चाहिए बोन्स के लिए बेहतर है वो उन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा 1/2 kg से ज्यादा डेली का इंटेक अगर दूध का रखता है मिल्क का रखता है तो उसकी बोन्स वीक हो जाती है अच्छा न्यू थिंग फॉर मी
वो कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो यंगस्टर आते हैं क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो ऐसी चीजों का इंटेक एक्सेसिव कर देते हैं। तो वो आपके एक्सेसिव करने से क्या होता है कि वो आपकी जो बोन्स की ज्वाइंट है वो आपस में रब करते हैं, वो प्रॉपर वो आप वो हो नहीं पाते बड़ी, वो मतलब हर चीज में एक आपको लिमिटाइज करना पड़ेगा। दाल से खाएं ना उसको लिमिटेड रखें तो ज्यादा बेटर। लेकिन बताओ आप कि आपने लास्ट टाइम बर्गर्स कब खाए थे? खाते हैं बर्गर साहब आप? मैं तो खाना छोड़ चुका हूँ बर्गर साहब उस तरह। मैं वीक में जो जिंगर शिंगर मेरे किसी काम के नहीं रहे, मतलब मैंने बहुत कुछ खा लिया है ना, वो गिल्ट का एहसास मुझे लगता है इसमें। बहुत फ्राइड उस टाइम बहुत मजा आता है, बाद में आपको भुगतना पड़ता है। कोविड के 3 मंथ तो टोटली ऑब्सोलीट रही हर चीज, बट अब दोबारा से रीजॉइन कर लिया। वंस अ वीक मेरी रहती है जंक फूड की एक्टिविटी के चले अपने आप। वंस अ वीक होना चाहिए, चीट मील होना चाहिए वंस अ वीक। और कितना खाते हैं पिज्जा एक हफ्ते में? खा सकते हैं आप एक पूरा पिज्जा? खा सकते हैं पूरा पिज्जा तो नहीं खाएंगे हम, एक दफा हफ्ते में खाना है तो फिर आप खा सकते हैं मिल्क एक दफा खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर आप नहीं। समोसा एक स्लाइस खा लिया, दूसरे दिन दूसरा नहीं, वो नहीं, हम एक दफा ही खाएंगे, एक स्लाइस खाते हैं बड़ा स्लाइस। चीट डे वन आजकल तो आगे इतने बड़े मिलते हैं वो, अब वो इतने बड़े बड़े स्लाइस थे क्या पिज्जा भी आगे इतने बड़े स्लाइस दे रहे हैं आपको बकायदा? सही बात नहीं तो और भी ज्यादा यानी आपको आसानी कर दी है। बाकी फ्रेश जूसेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन शाइनिंग बनाती है। जूस से रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहती हूं, लॉस होता है लास्ट मेरे ख्याल में 2 मंथ पहले मैंने अनार का जूस स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं बहुत ज्यादा अनार का जूस पी रही हूँ। उन्होंने ये बोला कि ज्यादा अनार का जूस भी आपको हेल्दी कर सकता है क्योंकि उसमें जिंक बहुत ज्यादा, कोई भी चीज ऐसी जिसके आती तो देखते हैं कि मैं पी रहा हूँ आजकल डेली पीच का जूस, वो ठीक है ना, वो सही है वो, लेकिन नो शुगर नो सॉल्ट। सॉल्ट भी मुड़ा मुड़ा आपको ब्लॉट कर रहता है ना, वो पानी की तरफ कर रहता है, तो हम भी जाने शुगर से ज्यादा शुगर से ज्यादा आपकी बॉडी पे फैट आप सॉल्ट आपका मतलब कि वो आती है फैट जो आपकी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बिल्डर इस तरह के हैं, तो वो कहते हैं कि हम जब होता है जब उनका मुकाबला होता है तो वो बिल्कुल सॉल्ट बिल्कुल वो सॉल्ट कर देते हैं। जिंदगी से रहते होंगे, आई हैव नो आइडिया, बस एक पैशन होता है वो। और कितना डेडिकेशन, डेली कितना पानी पीना चाहिए आइडियली? 7 to 8 भूल ही जाए ना, प्यास लगती नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसमें 5 to 6 glass नहीं 7 to 8 5 to 6 मिनिमम मैक्सिमम 7 to 8 मैं विंटर में मेरे ख्याल में जस्ट खाने के बाद पानी पीती हूँ, 1 to 2 glass वैसे पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद आपने नहीं पीना, खाने के बाद नहीं पीना चाहिए बिल्कुल, इसलिए तो मोटी हुई थी। लेकिन नाउ यू नो कि आप किस तरह पीना है ना, खाने के बीच में ना खाने के बाद खाने से पहले। ओके, बड़ी अच्छी बातें हो गई, ये थॉटफुल बातें। मुझे आप बताओ फलक, के कुछ लोग कहते हैं कि पैरोडीज करने से अपनी पहचान तरह कम हो जाती है, लोग पहचानते हैं उस कैरेक्टर को ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन आपके साथ गुड लगे आप लोग आपको भी पहचान रहे हैं। नहीं, आप पहचान रहे हैं क्योंकि वो कर करके सामने सामने आ गया ना, लोगों के पता लग गया ये कर रहा है। तो पहले ये होता था जब स्टार्टिंग में करता था तब कोई जानता नहीं था कि कौन है वो, जो जिस पर्सनैलिटी की मैं पैरोडी कर रहा हूँ लोग उसी को देखते थे कि यार ये वही बंदा है। ठीक है, तो अब ये है कि कर करके लोगों को पता लग गया फेसबुक से इधर उधर, अब आती है रिक्वेस्ट वगैरह, पूछते हैं आप हैं ये आप हैं आप ऐसे हो। अब मेरे टीचर्स कह रहे होते हैं कि जब मैं था ना यूनिवर्सिटी में तब भी मेरी पहचान ये बन गई थी कि यार ये पैरोडी इससे करनी है, जो मैथ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के बच्चे थे वो मेरे पीछे पीछे कि ये इसकी चाचे की आवाज़ चाहिए नानी, उनका प्रोजेक्ट मिलते थे दादे की, उनका पूरा एक जो फिल्म होती है ना शॉर्ट फिल्म, उसमें जितनी कॉमेडी आवाज़ें हैं आंटी की खाला की दादे की नानी की वो मैं देता था पैरोडी नहीं। और जैसे कि वो डबिंग होती है जो हिंदी डब करते हैं, एंड्री मेरी बात सुनो तुम यहाँ पे नहीं जाओगी, तुम मैं तुम मुझे रोकोगे, मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम्हें कह रहा हूँ ना मैं। ये भी चीज अच्छा, कभी इसको ना जैसे आप करके देखेगा फ्रीज, जो फ्रिज होती है ना उसके ऊपर वाला फ्रीजर जहाँ गोश्त रखते हैं वो खोल के कभी आप अंदर फेस करके एक बोले लफ्ज आपको लगेगा स्टूडियो में आप बोल रहे हैं। हाँ, वो एक एको सी आती है, एको सी आती वो इस तरह की ना, मतलब के नहीं नहीं भरा भी हो लाइट पॉइंट बहुत जेन्युइन है, आप इससे नहीं कर सकते हो आई डोंट नो नहीं चले रोज नहीं करवाने जा रहा कहीं पर सुस्ती मेरी कब कौन जाए कौन करे और कौन जाए। सही बात है। तो इसी तरह बस करते करते फिर मैंने एक रोड शो भी शुरू किया छापा मार, तो वो करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है ना बंदे कॉन्फिडेंस बस एक दफा बिल्ड हो जाए कैमरे के आगे, जब हो जाए उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं होती, फिर बंदा कहता है जो मर्जी साथ बैठा हो
परफॉर्म करना है हमने मेक इट। कैसे गाना था गुलाब जो कि किसी और ने गाया और आपने कहा काश मैंने गाया होता? कभी कभी होता है ना ऐसा गाना सुन लेते हैं आप। या मुझे काफी ऐसे सॉन्ग्स हैं जो यानी जो हमारे पड़ोस मुल्क के भी सिंगर्स हैं, हमारे अपने पाकिस्तान के इतने अच्छे सिंगर हैं। मेरा दिल करता है फ्रिया परवेज जी का एक सॉन्ग है माया तेरे प्यार में नुमार मुका है, यानी मैं गा दूं, यानी मैं गाऊं ओके। माया तेरे प्यार में नुमार मुकाई, बहुत आला। माया तेरे प्यार में नुमार मुकाई, चंगा वे तो मिठा मिठा रोग मेनू लायाई। क्या बात है। चंगा वे तो मिठा मिठा रोग मेनू लायाई, दिन तड़ पाया सारी रात जगाई। माया तेरे प्यार मेनू मार मुकायाई। क्या बात है, ये गाना बहुत मजे का है, बड़ी मजे की ट्यून है ये। बिल्कुल नाइसली संग भाई, वो वेरी नाइस। और जितना अच्छा फ्रिया परवेज जी ने गाया है, मेरी विश है कि मैं भी ये सॉन्ग गाऊं या किसी जगह पे, यू नो, कम कम गाती हैं आजकल। थैंक यू सो मच। सही बात है। जनाब आइए कुछ बातें कर लेते हैं रिश्तों की और दोस्तों की, अपने दोस्तों से इनसे पूछते हैं क्या इनकी लाइफ में कोई सच्चा दोस्त ही है। मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है। देखिए दोस्त एक होता है, क्या है, एक होता है दोस्त, एक होता है क्लोजेस्ट फ्रेंड, इससे आप हर बात शेयर कर लेते हो। वो ना हो तो वैसे बेहतर है, लेकिन हो तो भी अच्छी बात होती है। एनीबॉडी विद क्लोज फ्रेंड इन हिज लाइफ, आप हर बात कर लेते हो। Obviously, कोई है कि नहीं? आई बिलीव के सबसे आपका क्लोज फ्रेंड तो आपकी मदर होती है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माय मदर, तो नहीं है, बट उसके बाद भी आपके दोस्त होते हैं। मैं इसमें लकी रहा हूं, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन करीबी तरीन सब मुखलिस दोस्त हैं ऐसे कि जिनको मैं कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाइफ में कभी मैं डिसीव नहीं हुआ दोस्तों से। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। बचपन से ऐसे दोस्त मिले जो अभी तक लाइफ टाइम चलते ना, दोस्त नहीं होता हर हाथ में आने वाला। आप क्वांटिटी के पीछे जाएंगे ना तो फिर आप फंसेंगे। क्वालिटी के पीछे रखें, वो एक कॉल भी है ना जद अली का, कि अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो आप सबसे गरीब। वो भी यही बात है ना, लेकिन दोस्त तो बहुत है। दोस्त, लेकिन आप कितने दोस्त हैं क्लोज वाले? क्लोजेस्ट टू दोस्तों की, लेकिन नहीं मेल्स की। लेकिन बात यह है कि बेसिकली ये होता है दोस्त एक ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी लड़ाई भी उससे हो जाए ना, तब भी वो आपका दोस्त ही रहे। आजकल क्या होता है, सारे आपके राज और आपकी बातें हो गई। कहते हैं भाई जो होता है वो सोने की माने होता है, और जो दोस्त होता है वो हीरे की माने होता है। अगर यानी भाई रूठ जाए तो उससे दोबारा मना सकते, लेकिन अगर दोस्त रूठ जाए, यानी अगर हीरा टूट जाए तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकते। बिल्कुल, मतलब आपकी तो, आपसे कुछ शेयर किया है बात, उसने अच्छा बुरा वक्त आपसे, आपकी लड़ाई हो गई है, खत्म हो गई है, बट उसको वो राज ही रखे, वो दोस्त ही निभाए। बिल्कुल, गेज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मैं इसको देखता हूँ। बताइए ना आपका, बताइए इसका सलूशन क्या है, कैसे देखते हैं। आपको लगता है कि आपका और उसपे किसी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ, उसको लग रहा है, ऑब्वियसली इसी पे जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फिर ही आपका, अगर वो अपना इंटरेस्ट और अपना कॉन्फ्लिक्ट आपके आपकी जात के ऊपर सैक्रिफाइस कर जाता है, तो इट्स मीन वो आपका एक सच्चा दोस्त है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और आपसे अपनी ईगो को ले आता है कि मैं ठीक हूँ, और वो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को आपके प्रेफरेंस नहीं देता, तो फिर इट्स मीन कि आपको बड़ी जल्दी उसको गेज कर देना चाहिए कि वो मेरा सच्चा दोस्त है। एक सिनेरियो है, दो दोस्त हैं, एक ही लड़की से प्यार करते हैं, तो दूसरा जो दोस्त है क्या वो उसके हक में, वो है ना, ये बड़ा ट्रॉमन ट्रेंड है, वो दोस्त छोड़ सकता है, लेकिन इसमें उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लड़की से पूछ लेना चाहिए। लड़की तो दोनों से वो किससे प्यार करती है। लेकिन आजकल सब कुछ चल सकता है, एक में दो दो लोग भी प्यार करते हैं, जबरदस्ती वाला जो होगा वो है जो ये भी सैक्रिफाइस कर दे इसको इसके लिए भी, लड़की के लिए अपने दोस्ती को। क्या नोट किया कि आजकल जो हमारे ड्रामे हैं उनमें क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं उसमें तरबियत गलत दिखा रहे हैं कि exactly, बहुत मतलब उसका बहन का फेयर बहन पिछली मीम से बड़े चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे में भी एक अजीब सी चीज आ गई है, यानी
कभी इधर तलाक हो रही है, कभी उधर तलाक हो रही है, कभी उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये चीजें पाकिस्तान में आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मेरे पास तुम हो जो ड्रामा था वो एक वो भी सबक था, उसमें भी पता ही आपको रियल स्टोरी है। लेकिन एक बात बताओ, इतनी जल्दी कोई अमीर नहीं होता। नहीं देखिए उसमें बस भी ड्रामा है ना, क्या था वो एक दिन में तुमने घर खरीद लिया, कहां आप गुर्बत के वो उसमें थे। नहीं उसमें आप बताएं, पॉइंट ये है कि आपने बेसिकली अपने एथिक्स को और अपनी नॉर्म्स को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये सारा इंडियन कल्चर है। अगर इफ यू रिमेम्बर 5-6 ईयर बैक, तो जब इंडियन आप ड्रामाज आपके केबल पे दिखाए जाते थे, तो उनके पास 99% यही टॉपिक थे जिसको आप लोग बड़े ल्योर होते थे और देखते थे। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि हम कुछ नई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे ड्रामास के अंदर, इन्होंने सेम वही टॉपिक को पकड़ा, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा आपको ज्यादा ल्योर करती है, बुराई आपको अट्रैक्ट करती है। इन्होंने उसी जॉनरा को पकड़ा, उसी कॉन्सेप्ट को लेके सब प्लेयर्स के अंदर 99.9% प्लेयर देखे, तो समहाउ ये स्टोरी आपने नाम ले लिया, ये कॉन्सेप्ट वही टॉपिक चल रहा है। ये आपको अभी इसका रिजल्ट अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में नजर आएगा। मुझे याद है बिल्कुल शानदार बात की। देखिए जब मेरे जो फैमिली के जब बच्चे हमारे देख रहे हैं ये ड्रामे, तो उनपे क्या इंप्रेशन आएगा, इट्स अ ह्यूज अलार्मिंग थिंग। सारी फैमिली बैठ के ड्रामा देख रही है और वो आगे से सीन्स इस तरह के आ रहे हैं, वो मतलब सब बता रहे हैं कि इस तरह हो रहा है, फेस चल रहे हैं। तो ये फेस पे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एज ए लॉयर आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आज से 6-7 ईयर पहले जो स्टैट्स थे हमारे पास डिवोर्स के कोर्ट्स के अंदर जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 30% थे, ठीक है। अभी लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, जो मेरा पर्सनली बिलीव है कि ये सोशल मीडिया और ये इस तरह के प्लेस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसके अंदर, अब वो 65% हो चुके हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। आपकी 100 अगर शादियां हुई हैं तो 60-65% डिवोर्स की तरफ जा रही है, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि उसने कंटिन्यूसली मीडिया पे देख रही है, लड़का देख रहा है, बात नहीं मानी, रिफ्यूज, नेक्स्ट तो तैयार होगा, ये नहीं पता कि लाइफ आगे किस तरह होगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। वो तो एक ड्रामा था, एक फिक्शन थी, और आप किसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसकी बड़ी अलार्मिंग रेप्लिकेशन आएगी। ये खान साहब ने, पीएम साहब ने जो आपका ये अर्तुगरुल ड्रामा दिखा के ये आपको एक मैसेज दिया है नेशन को कि आपको समहाउ बैलेंस रखना है। चलिए एज फॉर द मूवीज कंसर्न, मूवी में वो चीज चल जाती है, आई पर्सनली बिलीव के चले वो थोड़ी देर का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, आपने 2 घंटे एंटरटेनमेंट की, सारे बच्चा शायद नहीं जाएगा उसको देखने के लिए, बड़ा जाएगा। आप अगर घर पे 24 घंटे 8-9, 10-12 तक वही चल रहे हैं, तो वो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी नेशन को, दैट इज क्वाइट अलार्मिंग। उनको पहले ग्रूम अप होने दें, या उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म फिर डिफाइन करें कि एक सर्टेन एज तक ये देखा जा सके, बट वो इधर पॉसिबल नहीं है। सब जाग रहे होते हैं। मुझे एक बार भी बताएं कि आजकल बड़ा दौर है और इन है कोलैबोरेशंस विद सिंगर्स, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों का, किसी सिंगर के साथ गाना मिलके? मेरा एक्सपीरियंस वाजिद अली बगदादी के साथ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत ज्यादा शोहरत भी मिली उसके बाद। ये वाजिद बोलते हैं गाना है सोने दी चूड़ी, नशा सजनादा हुंदा, और लकीली हम दोनों का भी सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ, यारी ला के डोला छुड़े सता नहीं, बिकॉज मुझे सराइकी लाइन में मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया। एक लाइन हो जानी चाहिए, बिल्कुल यारी की, तो गाना बड़ा शानदार सॉन्ग है ये। यारे लाके तो ढोला छोड़े सेता नहीं, यारे लाके हो, यारे लाके तो ढोला छोड़े सेता नहीं, तू ना छोड़े ओ तू ना छोड़े, मैं सोखा छोड़े देता नहीं, तू ना छोड़े मैं सोखा छोड़े देता नहीं, हथे में दियो गैरा दिलावे ना तू, मेनू लोका देता ने दवावे ना तू, मेनू लोका देता ने दवावे ना तू, तू ना रोले मैं ढोला रोले देता नहीं, ओ तू ना छोड़े ओ तू ना छोड़े, मैं सोखा छोड़े देता नहीं, तू ना छोड़े मैं सोखा छोड़े देता नहीं। क्या बात है, आई लव सराइकी जबान, बहुत ही मीठी जबान है, बहुत ही गाने मजे मजे के हैं। तो ऐसा करते हैं कि फिर अब आपको हम विदा करेंगे, बिकॉज आपने बहुत काम करने हैं, और आप कह रही थी मैंने कहीं जाना है, मैं कहा ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन एक शर्त पे, जी जी, हमें तीसरा गाना सुना के जाएंगे आप, of course, और कोई पैगाम अपने जो इतने वो गुलाबियंस हैं जो आपको देखते हैं, गुलाबियंस
हाँ ना, वो गुलाबियंस होते तो आपको देखते हैं ना, गुलाबियंस हैं। मैं जस्ट अपने फैंस से कहना चाहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हूँ, आप सबके प्यार की वजह से हूँ और इतने अच्छे दोस्तों की वजह से हूँ। सो मुझे बस सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। और आप अब हम सुनते हैं एक और खुशगाना, एक मैं और काम करूंगा। व्हेन यू विल सिंग दिस सॉन्ग आई विल जॉइन यू ऑल्सो। डन है ना? सही जनाब, सुनते हैं गाना फिट किस्म का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। खुशियाँ तुर जाते हो
जी जनाब आ गए हम वापस, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद एजाज वारिस यानी कि जैजी, और आपका शुक्रिया, इतना ऑसम हम फीडबैक मिल रहा है आपकी तरफ से आता है, हमें लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं जाऊं मैं तो लोग कहते हैं कि आपका कोहिनूर देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो, फॉर व्यूइंग द शो। और आज तो वाकई मजा आया गाने सुनने का, कॉमेडी का, फिटनेस का और मोटिवेशन का। एक सवाल बड़ा जहन में, अच्छा किसी ने सवाल किया मुझसे भी, फ्रॉम गुजरांवाला एक सवाल आया है मुझे लाइव पर, पूछ रही हैं कि जो बच्चे आजकल के जो बड़े हो रहे हैं और इनके जो हैबिट्स हैं, इन पे क्या नज़र रखते हैं आप इसमें जनरेशन का? जी, जनरेशन गैप जो था पिछली जनरेशन के अंदर बड़ा ज़्यादा ये मसला था। ठीक है, होता क्या था कि अनफॉर्चुनेटली बाप को एक बड़ा विलन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता था, ये नहीं करोगे तो बाप ये कर देगा, ये नहीं करोगे तो बाप आके आपको मारेगा, ऐसे नहीं होगा, तो अथॉरिटेटिव और बड़ा एक विलन का करेक्टर पे उनके तौर पे दिखाया जाता था घरों में। अनडेलिबरेटली मैं कहूंगा कि वो मदर वो रोल प्ले कर रही थी, क्या होता था जिसकी वजह से लड़के का बाप के साथ एक बहुत बड़ा गैप आ जाता था। वो तो वाकई सही कह रहे हैं, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब वो क्या होता था कि वो अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटी बाप से हाइड करता था, वो स्कूल गोइंग टाइम से वो हाइड करना शुरू करता था, लड़की तो समहाउ माँ के साथ एंगेज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जो ग्रो अप होती है ज्यादा क्लोज होती जाती है, बट हमारी सोसाइटी में क्या अनफॉर्चुनेटली हो रहा था कि लड़का ज्यादा गैप बढ़ता चला जा रहा था। इवन मैं कई लड़कों से मिला कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में अपने बाप को हग नहीं किया कभी, वुड यू बिलीव दैट थिंग कि आपका बाप हो और आपने उसको हग नहीं किया, क्यों कि वो एक इतना बड़ा वो डिलेमा बन चुका था, उनका बाप उसको एक विलन के तौर पर बेशक अफेक्शन थी अंदर बट वो एक प्रॉब्लम था। अब नई जनरेशन के अंदर मेरे जितने भी दोस्त हैं या जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मैं एक बात करता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को इस करंट सिनेरियो के अंदर बचाना है तो आपको उसका बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो फिर आप कल को ब्लेम नहीं कर सकते उनको कि वो कैसी सोसाइटीज में गए, उन्होंने क्या एक्टिविटीज की, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपसे हाइड करना ही करना है। ओके, जब अगर आप खुद होंगे तो वो अच्छा है कि आपसे वो गाइडलाइन लेते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे, आप उनको डिक्टेट करते रहेंगे और समहाउ आप उनको बचा लेंगे, बट अगर वो गैप इंक्रीज होता गया तो फिर समहाउ आप उसको केटर नहीं बाद में कर पाए, इट्स क्वाइट लेट फॉर यू। ठीक है, जबरदस्त आपने जवाब दिया, वेरी नाइस आंसर। आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? मेरा एक फेवरेट मॉडल था, उसने अभी मतलब कि आजकल कुछ कर दिया है, कुछ छोड़ा है, कौन है? जान जहान खाले तो बिल्कुल वो चेंज हो गए हैं, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। और हर शहजाद नूर इन योर व्यू, मेरा फेवरेट तो इमल खान है, इमल खान है, वो शहजाद नूर का बेस्ट फ्रेंड है, वैसे आपस की बात है। और हु इन फीमेल्स? फीमेल में सदफ कपूर, सदफ कमल, जिन्होंने शादी कर ली जी जी शहरोज सब्जवानी के साथ, क्या बात है। पैडीज टाइम जनाब। जी सर, आपने शबाज शरीफ का गा था, वो रह गई थी। हाँ, शबाज शरीफ, शबाज, क्या हाल है जजी, सब ठीक ठाक है? अगले 5 साल बाद शबाज शरीफ की हुकूमत है, मेट्रो बस हमने बनाई, मेट्रो ट्रेन हमने बनाई, मेट्रो के रबड़ हम बनाएंगे, मेट्रो के सिगरेट भी बनाएंगे, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे कि ऑरेंज ट्रेन कब चलेगी? ये जैसी हमारी हुकूमत आएगी, ऑरेंज आएगी नहीं भागेगी, और मैं खुद चलाऊंगा, ये घबराना नहीं को तो छोड़ो, हमारी हुकूमत आने दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, कोई एक्ट्रेस में आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस में? पाकिस्तानी शेख रशीद। हाँ, शेख रशीद को आने में सिगार नहीं पड़ा, माइक इस्तेमाल करते। क्या हाल है जजी, ठीक हो? ठीक है, कभी आओ लाल वेली चक्कर लगाओ। और सुनाओ, ठीक ठाक है? बड़े अच्छा तुमने शो कर लिया है, और जितनी मेरी सियासी बसीरत है, अगले 5 साल बाद आपका रेलवे का वजीर नहीं मैं रहूंगा, अगले 5 साल बाद मैं वजीर आजम हूँ पाकिस्तान का। क्या बात है, साहब बड़े मजे के हैं वैसे आपके, शेख साहब बहुत आला, बहुत आला, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि आप प्लान्स क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एवरीवन, पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। फ्यूचर प्लान ये है कि मैं यूट्यूब चैनल अपना करूंगा। हाँ, वो कैसे ख्याल आया? वो है, ये है फलक शेख ऑफिशियल। ठीक है, मतलब मेरा अपने नाम से हो ना चीज, उसमें लोग आपको फॉलो करें, फॉलो करें। और दूसरा ये कि उसके अंदर मैं ही करेक्टर करूंगा, रोड शो होंगे, इन्फॉर्मेटिव होंगे, और मतलब कि करेक्टर ये मैं सोचा है उसके अंदर कि होस्ट भी मैं हूँ, जो परफॉर्मर है वो भी मैं ही हूँ, मतलब रक्षे वाले को मैंने बुलाया। होस्ट भी आप, वो वाली बात क्या, होस्टिंग अब खुद करेंगे, होस्टिंग भी खुद, और साथ जो गेस्ट है वो भी मैं हूँ। रोड शो पे जो लाहौर की जैसे खाने पीने की जो मार्केट्स हैं, उसमें क्या चीज अच्छी है, वो कॉमेडी टच में ना लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप डीएचए में जाएं
तो वहाँ पे आप हजारों रुपया लगा के पेट भर के फिर भी खाना नहीं खा सकते। लेकिन आप अगर छोटे और जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो काम कर रहे हैं लोग उनके पास आए 80 रुपए में दो बंदे पेट भर के रोटी खा लेते हैं। Exactly. तो वो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है, कॉमेडी टच में थोड़ा बताना है कि ये इसका एड्रेस है, इस जगह पे आए, आके ये खाना खाएं। और यहाँ मशहूर चाय कहाँ की मशहूर है, लाहौर की अच्छी चाय कहाँ, वो nice. मतलब अपने फेस के साथ करूंगा वो भी। हाँ, और दूसरा ये कि थोड़ी एक्टिंग भी उसमें होगी, मतलब ऑल इन ऑल मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ आहिस्ता आहिस्ता पे, इंशाल्लाह ताला इसको बढ़ाएंगे। आपके प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के? प्लान इज टू बिकम मोर प्रोफेशनली इन मॉडलिंग एंड एक्टिंग फील्ड, बट साथ ही अर्निंग मेरे के लिए साथ ही ट्रेनिंग मेरा पर्सनल के बारे में नहीं होगी, मॉडलिंग उससे भी हो जाती है, बट उसमें ज्यादा फेम है इतना, वो आपकी डिमांड्स पे, जब आपकी जितनी आपका जो प्रोफाइल है वो एक अलग विजन दे रहा है कि आप बहुत एटीट्यूड है आप में, ऐसा ही है, ये अच्छी बात है। मैं इस पॉइंट पे आ रहा था कि सेलिब्रिटीज के लिए अच्छी बात है, लगना ऐसे ही चाहिए कि आप जब मिलोगे आपसे तो आप बहुत कॉम कूल अच्छे हैं, तो वो लगता है कि बड़ा इसमें एटीट्यूड होगा, थोड़ा एक्सप्रेशन मॉडलिंग के ऐसे होते हैं, थोड़ा मतलब कि वो एक्सप्रेशन मॉडलिंग में चाहिए होती है, ये चीजें होती हैं एक्सप्रेशन, ठीक है ठीक है, मेंटेन रखने का, और एक्टिंग भी करने का प्लान बता रहे थे कि हां मोर प्रोफेशनली आगे और काम करना है। ठीक है ठीक है, डन हो गया। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आप होस्टिंग करने जा रहे हैं? जी जी, एक तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा फोकस एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एज ए होस्ट अब इसको करने जा रहा हूं, और पैरेलल मोटिवेशन स्पीकर के काम को भी थोड़ा सा इंशाल्लाह एनहांस करूंगा। Exactly. क्योंकि दोनों को पैरेलल इस पे लेके जाना चाह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन ऐसे एज यू नो कि वो एडवोकेट तो हुई, वो तो साथ पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन ज्यादा एज ए प्रोफेशनल इन दोनों चीजों को फील्ड को लेके चलूंगा, क्योंकि लाइफ में मैंने काफी कुछ किया, मैंने भी एक वीक FM पे काम किया था। अच्छा, हाँ, मॉडलिंग भी की था, वो 101 था, उस टाइम पे क्योंकि टीवी कर रहा था, तो टीवी करते हुए मैंने जब वो किया तो एक तो मुझे लगा मेरी टाइप नहीं है, दूसरा ये था कि जैसे आप तो माशाल्लाह आपका नाम बना, तो आपने अच्छी बात छेड़ी है, तो पॉइंट अच्छा आया, टीवी करने के बाद FM का मजा नहीं आता। हाँ, अगर आप पहले FM कर चुके हो जी, 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 फिर आप सारी उम्र FM नहीं छोड़ सकते। मेरा है कि मैंने FM से स्टार्ट किया, तो आई थॉट कि FM तो मेरी जान है, वो एक विजन बंद कमरे में बैठ के लोगों से बातें करने का, लेकिन जहाँ आपने काम किया ना वो भी चैनल ऐसा था ना कि वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। उस समय मैं शशलिक किया, ब्यूटी पार्लर प्ले किया, एक दो प्ले किए, तो मुझे काफी लोग जानते थे। मैं कहता हूँ मैं प्ले करता हूँ तो मुझे 10 बंदे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ यार सुन ले, फैमिली को, नोबडी इज लिसनिंग। मैंने कहा यार ये चीज नहीं है, फिर इसी तरह लेटर ऑन फिर जब टीवी एक्टिंग भी की, उसमें भी बड़ा एक अच्छा एक स्पार्क है, एक अच्छी फील्ड है, बड़े पढ़े लिखे लड़के लोग आ चुके हैं, सरमत के साथ स्टार्ट लिया। आई वाज गॉट बेस्ट परफॉर्मर इन GCDC गवर्नमेंट कॉलेज में, मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस मिली थी, तो फिर उन्होंने ही ऑफर्ड मी विद दिस प्ले, तो वो द चीफ गेस्ट थे बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज, आपको देंगे। हाँ, तो वो फिर इस तरह चला, बट इसको लिमिटाइज करते हुए स्क्वीज अप किया है अब लाइफ के स्पैन के ऊपर आके, कि ज्यादा टारगेट एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड होस्ट एज वेल, और पर्टिकुलरली अलोंग विद ये मोटिवेशनल स्पीकर, इन दो चीजों को मैं इंशाल्लाह अब कंटिन्यू। फलक, एक बड़ा अहम सवाल मैं करने जा रहा हूँ आपसे, बिकॉज़ वी हैव टाइम, हम बातें कर सकते हैं आपसे, कि आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया पाकिस्तान में शोज का, जिनकी रेटिंग्स भी आ जाती हैं, कि स्टेज के एक्टर्स को ला के बिठा दिया है इन्होंने टीवी के ऊपर, झुकते भी होंगी, ठीक है, वो झुकते लाइन क्रॉस नहीं करती जो कि वो स्टेज पर करती हैं, या एक लाइन दी जाती है उनको कि आपने वो बोलना है, और वो बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, कई शोज चैनल पर चल रहे हैं, मैंने खुद भी वो किया, रात 11 बजे भी चलते हैं, हाँ, लेकिन वो हिट भी हैं। हाँ। पहले तो ये सवाल कि ये शोज का ट्रेंड क्यों बना और फिर ये हिट कैसे हो गए? हिट तो खैर होने ही था, कि ज़्यादा सेलेक्टर्स सर बात इतनी सी है कि जितने भी हमारे वर्कर्स है ना, जितने जो करते हैं रक्षा चला रहा है, कुछ भी है, हाँ। वो जाके रात को स्टेज वाला देखता है, वो पैसे देकर था, पैसे, हाँ, वो देखता, अब ये फ्री मिल गया, अब ये फ्री है, काम मिल गया, घर में बैठ के आप मतलब थके टूटे जो घर काम सारे करके जाएंगे, टीवी लगाया यार ये मजाक हो रहा है, सारा दिन खिंच खिंच बॉस की बातें, घर आके बीवी की सुन के बातें, और उसके बाद आपने टीवी लगाया ना, तो वो आपको हंसा रहे हैं झुकते मार के, शुगल देख के, मजाक देख के, तो वो उनका जो सारे दिन की जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वो एक घंटे में खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, बेसिकली बनाया भी इसीलिए है ये शो, और लगाते क्यों है 11 से 12, टाइम उसका 8 बजे भी तो लग सकता है, 11 बजे इसलिए ये पॉइंट हो सकता है, 8 से 11 बड़ा शो चलता है, बड़ा आपका जो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन खेलते हैं बेसिकली वो शो चल रहा होता है, ठीक है, वो भी ड्रामे भी चल रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, लेकिन वो ये है ना, आपका माइंड जो है वो उस टाइम पॉलिटिक्स को देख देख के सारा दिन भी सुन रहा होता है। मैच में वही बात फर्दर ऐड करना चाह रहा था कि इसके जो बेसिकली इन्वेंटर है वो आफ्ताब इकबाल साहब है, जी जी, उन्होंने सिर्फ कॉमेडी पे फोकस नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ दिया, यार वो शो, वो इस वजह से आपका टाइम 11 बजे है, मेरी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है उनसे कि ये 11 बजे क्यों चूज किया गया था उस टाइम पे, तो उसमें आपका 11 बजे काफी सीरियस
वीवर भी होता है हाँ। जो शायद मजदूर है वो आपका 8-9 बजे सो जाएगा, ठीक है, जो सिर्फ पर्टिकुलरली कॉमेडी को फोकस कर रहा है, बट आपको जो सीरियस वीवर है जिसको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए साथ वो अपने आप को एंटरटेन भी करना चाह रहा है, तो वो जागेगा 11 बजे, वो लेट सोता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, लेकिन आजकल जो दौर है वो यूट्यूब का आ गया, अब तो आ गया, वो क्या आएगा, बंदा सुबह भी, पहले क्या होता था, नेटफ्लिक्स वगैरह, 11 बजे अगर प्रोग्राम लगा 12 बजे खत्म हो गया, किसी का मिस भी हो जाता है, उसे होता है लुचिया यार मैं ये प्रोग्राम देखना है, लुचिया बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया। लेकिन ये कि आपके जो अभी भी जो आपके बड़े हैं वो यूट्यूब या उनपे सर्फिंग पे नहीं जाते, वो टीवी पे केबल देखते हैं, अगर फैमिली सिटिंग डिनर किया आपने साथ टीवी लॉन्च में बैठे हैं तो आपको एक ऐसा शो चाहिए जो पूरी फैमिली देखे, फैमिली वो आप केबल पे ही देखेंगे मोस्ट लाइकली। मुझे बात में आएगी जो शादी में गया और वहाँ मुझे मिल गया आफ्ताब इकबाल साहब, 3 साल पहले की, अब मुझे क्या पता कि मेरा कभी शो उन्होंने देखा है, मैं कहाँ देखते होंगे, इनका टाइम कहाँ होता है, अभी केम टू मी में खाना खा रहा हूँ, कहते हैं इजाज़ बारे से जी अच्छा बोलते हो, तो मैं कहा सर ये वर्ड आपकी तरफ से आना तो मुझे एक तो मुझे रोंगटे खड़ा होगा कि एक बंदा इतना जायंट सही बात उनके तरफ से आना, तो फिर मैंने कहा तो मैं लिया और वो हमारा चैनल देखते हैं और शो अगर देख लिया आपने सर्फिंग करते हुए तो आपने उसको अप्रिशिएट किया तो आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है जनाब, टाइम मेरे ख्याल काफी अब कम रह गया है तो कुछ पैगाम लेते हैं अपने मेहमानों से, पहले तो थैंक्स करेंगे आप तीनों का, कमाल बातें की हैं, वाकई मजा आया आज का शो, वाकई बहुत फ्रूटफुल रहा है और काफी अच्छी थॉटफुल बातें हुई हैं, तो पहले हम इससे कहते हैं आप एंडिंग पे आते हैं, क्या पैगाम देंगे अपने फैंस को जो फलक की कॉमेडी को पसंद कर रहे हैं और व्यूज देते हैं, सुने कि वीडियो से काफी मिलियन व्यूज भी लिए हैं कुछ, हाँ जी है ना, मेरी कई वीडियोस गई हैं काफी अच्छे, हाँ, देखा है वो बिल्कुल। मैं ये कहूंगा अपने फैंस को कि खुश रहे, मैं सिर्फ इसलिए काम करता हूँ कि लोग हंसे, मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था स्टेज पे भी परफॉर्म करता था ना जो ड्रामेटिक की, तो मैं यही ज्यादा मेरी कोशिश होती थी कि सीरियस में भी मजाक पैदा कर दूं कि यार एकदम हंसी आ जाए कि ये क्या हुआ, एग्जैक्टली, तो ये एक मतलब होना चाहिए इंसान खुश रहे, मैं काम इसलिए करता हूँ कि जैसे अभी ये सारे बैठे थे इन्होंने एंजॉय किया या हंस रहे थे, यही मेरी मतलब मैंने कि कमाई है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे बंदे हो, ऐसे रहना सारी उम्र, ठीक है, थैंक यू जी। मैं बस यही कहूंगा बस आजकल ना ज्यादा लोग फिटनेस को ज्यादा फोकस करें खास, और आप इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लें, क्योंकि अगर आप अपने मतलब आप सुबह भी उठते हो जो भी होते हैं अपने लिए उठते हो ना, किसी पे शान तो नहीं करते, बस जो भी है अपने आप को फोकस करें कि फिटनेस ज्यादा ज्यादा और हेल्दी डाइट्स वगैरह खाएं और इस चीज को साथ लेके चलें साथ। आई थिंक 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज का मंत्र लोग कहते हैं जी, बिल्कुल उसको अपनाना चाहिए, फाइन प्लान जनाब फिनाले। इसमें आप देखें हर बंदे की लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना, ठीक है सेटिस्फाइड लाइफ गुजारने के फिर आपको रास्ते काफी डिफरेंट नजर आते हैं, कोई ठीक रास्ता चूज करता है, कोई गलत चूज करता है, कई उसके अंदर लोग आपको गलत मिलते हैं, तो इवेंचुअली आप फिर सफर कर जाते हो, ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है, क्रिमिनल का भी और एक सेटिस्फाइड पर्सन का भी। दो चीजें आई पर्सनली बिलीव जो मैंने पढ़ा देखा सुना और मैं आगे भी कन्वे करता हूँ, लाइफ में कभी किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर एवरीथिंग। अगर आपने लेजिटिमेट मेथड से किसी भी जगह पे पहुंचना है तो उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा आपको शॉर्टकमिंग्स भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी, ऑब्स्टेकल्स को आपने आस्ता आस्ता ग्रेजुअली कवर करना है, एट वंस नहीं हो जाएगा कि आप जंप करके ऊपर चले जाएंगे, उसके अंदर आपका जो सबसे बेस्ट पार्टनर हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के लड़के अपनी बेसिक को छोड़ देते हैं, पर्टिकुलरली जैसे थोड़ा सा बड़े हुए टीनएज क्रॉस की तो वो अनफॉर्चुनेटली कहते जी मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ आप नहीं है। मैं आज भी सोच रहा था गाड़ी में आते हुए कि आपके पेरेंट्स जब आपको कई बड़ी लाइट से लाइट चीज भी आपको कन्वे करते हैं किसी भी हवाले से, ठीक है, वो आपको इवेंचुअली समहाउ आप उस पर बिलीव करोगे वो उन्होंने आपको एडवाइस ठीक की थी, क्योंकि उनके पीछे चाहे वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे उन्होंने जो आपको मैसेज किया उसके पीछे एक एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस आपको पूरे अफेक्शन के साथ मिला जी, बिल्कुल। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये रस्तों को कभी लाइन को नहीं छोड़ना चाहिए, होपफुली इंशाल्लाह ताला। इरफान रहीम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सबका भी आने का। जनाब ये था हमारा आज का शो, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। 2 दिन में आ रहा है जश्न आजादी, हम सब बहुत गियर्ड हैं उस दिन को लेकर, बिकॉज वो हमारे पाक मुल्क की आजादी का दिन है, सो लेट्स सेलिब्रेट दैट डे विद रियल एंथुजियाज्म एंड अ ट्रू पाकिस्तानी जिस तरह हम हैं, और हम दिखा दें पूरी दुनिया को कि हमसे बलबला अंगेज ज्यादा कौम कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सो मिलते हैं कल सुबह 10 से 12, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, टेक केयर, जैज़ी इज साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।